ही आती है। डू यू एग्री? यूनिफॉर्म का मतलब, वी मस्ट फील प्राउड ऑफ योर यूनिफॉर्म, यू कैन नॉट एक्सप्लेन द वर्थ ऑफ दैट एंड यू कैन नॉट जस्टिफाई विद योर ड्यूटीज एंड द मर्चेंट नेवी मीन्स यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर योर यूनिफॉर्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच मैम। पर्सनैलिटी के बारे में तो ऐसा है जैसे मैं कपड़े तो कोई भी अच्छा पा लेता। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर एंड वट इज योर एम ऑफ लाइफ? माई एम टू बिकम अ पॉलिटिशियन। सोर्स टू योर पर्सनैलिटी। ऑल द बेस्ट। No, ma'am, not yet. Okay. So how do you feel that in the air where there is no road, you can just move on a right track? Yes. Shoulders से भरा होता है, आपके shoulders पर बहुत heavy responsibility होती है, बहुत सारे passengers की जो आंखें बंद करके आपके ऊपर भरोसा करके बैठती हैं। Ma'am, actually, I don't want to be a commercial pilot. And, yeah. I want to be a fighter pilot in Indian Air Force. In, okay. Indian Air Force. Yes. Very good. So through Air Force you want to serve your country? Yes, ma'am. Very good. I want to become an engineer and make my parents proud. By becoming engineer only you can make your parents feel proud? What kind of engineer? Software engineer. Okay. And what do you think about your personality? Personality means what? So your physique and knowledge, mind and body, दोनों का strong होना बहुत जरूरी है। You must be strong at heart. Yes, good. Doctor, ma'am, my name is Abhay and I wanted to become an army officer. Copy तो नहीं कर रहे? No, ma'am. तो आप इस समय लाइव तस्वीरें करनाल के एसडी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से देख रहे हैं जो कि करनाल के रेलवे रोड पर स्थित है, जहाँ पर आज फेयरवेल डे सेलिब्रेशन जो है वो की गई। और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर मिस्टर एंड मिस फेयरवेल 2019-20 जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी हम लोग बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन आप इस समय लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रिंसिपल मैम जो हैं वो यहाँ पर बच्चों को जो है बुके देकर सम्मानित करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर मिस्टर एंड मिस फेयरवेल का जो एक ताज है वो जीता है। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको करनाल के एसडी मॉडल स्कूल से दिखा रहे हैं। हम आप लोगों से भी यही करना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो मिस फेयरवेल बनी है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मिस्टर फेयरवेल भी मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें गिफ्ट्स जो हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जो उनको अवार्ड है उसको उन्हें उसके लिए जो है उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मिस्टर एंड मिस फेयरवेल से हम लोग आगे बातचीत भी जरूर करेंगे, उनसे जरूर जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे। बच्चे, आपको आज मिस फेयरवेल का अवार्ड मिला है, कैसा आपको फील हो रहा है और क्या कुछ क्राइटेरिया है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड बहुत कॉन्फिडेंट भी। और आई मस्ट से प्रिंसिपल मैम ने बहुत टफ डिसीजन लिया और थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे जिनको मैं भी आंसर करना चाहती थी और बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए। मेरे एम के पीछे मोटिव, आप कैसे अपने एम को पूरा कर सकते हैं, तो मैम का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। अमिता मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है जब चार लोग यहाँ पर स्टेज पर खड़े थे और उसमें से आपका नाम लिया गया, तो क्या कुछ इस बारे में? पहले तो उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी इस चीज़ की, बट जब नाम लिया तो सात समंदर पार वाली फीलिंग आई आज पहली बार लाइफ में। तो ये आप देख सकते हैं मिस्टर एंड मिस फेयरवेल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, प्रिंसिपल मैम हमारे साथ मौजूद है, एक बार हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या पूरा क्राइटेरिया रहा इस जजमेंट का और किस तरीके से आज का पूरा ये फंक्शन रहा?
See, all the students are very intellectual and very intelligent nowadays. So this was the only process we have just decided after the three levels. So the students, those who are having the passion to serve their country and with the zeal and enthusiasm in the real sense. So we have selected those students. And it was a very difficult decision. In the girls, it was a tough competition. So as she said, really it was very difficult. But the thing is that it is already done. And I congratulate the winners. And I hope the things what they have described that they want to be and they want to serve their country. And definitely they will do in the real sense. Thank you so much. तो ये आपने देखा, प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसे कि उन्होंने बताया किस तरीके से फेयरवेल में जो आज जजमेंट की बात रही वो अपने आप में टफ जरूर थी, लेकिन सभी बच्चों ने जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। कुछ और हम लोग आपको आगे डांस परफॉर्मेंसेज भी दिखाएंगे इन सभी स्टूडेंट्स की, तो हम आप लोगों से अपील भी यही करना चाहेंगे कि जुड़े रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। जीवन में